حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جامعہ علوم اسلامیہ کے پرنسپل برادر مکرم ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب زیدہ حیاتہ عزیز مکرم سید سلمان بن نوری زیدہ وقارہ و دیگر اساتذہ جامعہ حذا عزیز مکرم قاری محمد عثمان صاحب جمعیت علماء اسلام سے وابستہ احباب مجھے خوشی ہے کہ ایک طویل وقفہ کے بعد میں اس ماحول میں چند لمحوں کے لیے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ جس ماحول سے میں نے کچھ بولنے اور کہنے کا سلیقہ سیکھا
अल्लाह इस गुलशन इल्म हिकमत को सदा बहार रखे। और मौजूदा दौरे इस्तराब में अल्लाह तमाम फितनों से तमाम दीनी इदारों की और जामिया इस्लामिया हाजा की हिफाजत फरमाए। मुझे चंद मिनटों के लिए आपसे कुछ कहना है, चंद घंटों के लिए नहीं। तो मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू किताबुल्लाह के उस हिस्सा की रोशनी में आपसे करना चाहता हूं जिसकी तिलावत और समात की सआदत हमने अभी अभी हासिल की। आज 7 फरवरी 2014 ईस्वी, कराची, पाकिस्तान। और इस आया करीमा से मरबूत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मेरे सामने है जिसमें आपने फरमाया कि मैं अखलाक हसना की तत्मीम और तकमील के लिए मबऊस हुआ हूं। और हक तआला ने फरमाया कि आप खुल्क अजीम के बुलंद मकाम पर हैं। आप में से ज्यादातर मेरे अजीज जो बैठे हैं उनका ताल्लुक तलबा से है। मैं इस पर आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि हुसूल इल्म के लिए अल्लाह ने आपको इस इदारे में कबूल फरमा लिया। और यह भी दुआ करता हूं कि आप इस इदारे से कीमती बनकर जाएं, अल्लाह के बंदों के काम आए। मेरे अजीजों, इल्म और हिल्म ये लाजिम व मलजूम है। इल्म की पहचान ही यह है कि उसके साथ हिल्म चलता है। और हिल्म उस वक्त नसीब होता है जब खशियतुल्लाह हासिल हो जाए। इस उम्मत के फकीह सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, किताबों की कसरत से इल्म नहीं हासिल होता। बाल्फाज दीगर, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने से इल्म नहीं मिल जाता। बल्कि बहुत ज्यादा खशियतुल्लाह से इंसान साहिब नजर बनता है और इल्म का अमीन बनता है। खशियतुल्लाह के बगैर इल्म वो किरदार अदा नहीं कर सकता जो उसकी शान है।
मालूमाती जौहर हैं जो आपको किताबों से मिलता है। आप जोग्राफिया पढ़ते हैं, आप उसूल पढ़ते हैं, आप अदब पढ़ते हैं, ये मालूमाती जौहर है। हिल्म रूहानी जौहर है। वो किताबी शक्ल में दिखाई नहीं देता, किरदार और अमल की सूरत में उसकी खुशबू माहौल को मुअत्तर कर देती है। हम जिन हालात में बैठे हैं और बहुत तेजी के साथ जिस अंजाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसको सामने रखते हुए मैं अपने माजी करीब के एक साहिब इल्म हिकमत का वाकया रखता हूं, जिनकी मेहनतों से जुनूबी एशिया में इस्लाम की इशाअत हुई और मुसलमानों की तादाद करोड़ों तक जा पहुंची। यहां हुकूमत गैर मुस्लिमों की थी, हुक्मरानी की मसनद पर गैर मुस्लिम बैठे थे, माशरे में अक्सरियत गैर मुस्लिमों की थी, लेकिन आपके रोशन जमीर असलाफ ने अपने अखलाक से उनके कुलूब को मुसख़र किया और फिर उन्हें जहन्नमी से जन्नती होने का एजाज बख्शा। कांधला में हमारे एक अल्लाह वाले कुतुबुल अक्ताब हजरत गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज याफ्ता मौलाना मोहम्मद यहया रहमतुल्लाह ताला अलैह, जहां वो जिस मस्जिद में खिदमत अंजाम देते थे उनकी मस्जिद के सामने एक गैर मुस्लिमों का मरकज था, इबादत गाह थी, तो उस मंदिर और मस्जिद के बीच में जो जमीन थी उस पर तनाजा हो गया। उन लोगों का कहना था कि यह जमीन मंदिर की है, मुसलमान कहते थे कि यह जमीन मस्जिद की है। सेशन जज अंग्रेज था, उसकी अदालत में यह तनाजा गया। चंद पेशियों के बाद हिंदू पार्टी ने अदालत में यह तहरीर दे दी कि मुसलमान अपने इमाम साहब को यहां ले आए, बेशक हम उनके मजहब के लोग नहीं हैं लेकिन मुसलमानों के इमाम साहब मौलाना मोहम्मद यहया पर हमारा ये हुस्न जन है कि अगर यहां आकर वो ये कह दें कि ये जमीन मस्जिद की मिल्कियत है तो हम अपना केस विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे। मुसलमान बहुत खुश हुए कि तुझे शिकार हमारे जाल में आ फंसा, अब मौलाना क्यों नहीं कहेंगे कि ये जमीन मस्जिद की नहीं। दोनों पार्टियां इस पर रजामंद हो गईं और दोनों पार्टियों के इत्तेफाक से मौलाना मोहम्मद यहया को समन जारी हुए। अहलकार जब समन लेकर मौलाना के पास पहुंचे तो मौलाना ने उसी कागज की पुष्ट पर लिख कर दिया कि बर्रे सगीर में अंग्रेज का जो मुस्लिम कुश और इस्लाम दुश्मन किरदार है उसके पेशे नजर मैंने कसम खाई है
कि जब तक जिंदा हूं आमदन किसी गोरे को नहीं देखूंगा, ये मैंने कसम खाई हुई है। तो मैं माजूर हूं, आपकी अदालत में नहीं आ सकता हूं। उस गोरे ने, जज ने दोबारा समन जारी किए और लिखा उस पर कि मौलाना आप बेशक मुझे न देखें, आप मेरी अदालत में आए, मेरी तरफ पुश्त करके आए और चेहरा दरवाजे की तरफ कर ले, मैं इसको तौहीन अदालत नहीं समझूंगा, लेकिन गवाही तो दें ताकि दो जो लोग लड़ रहे हैं, जो तबके मुतसादिम हैं, उनमें इस्लाह की कोई सूरत निकल आए। तो मौलाना राजी हो गए और अदालत आने की हामी भर ली। अब इस पेशी पर बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोग जमा हुए। देखें मुसलमानों का इमाम क्या कहता है। मोहम्मद यहया रहमतुल्लाह ताला अलैह सेशन जज की अदालत में आए, उसको देखे बगैर आए और जब अदालत में खड़े हुए तो चेहरा दरवाजे की तरफ था। अंग्रेज ने पूछा, गोरे ने पूछा जज ने, मौलाना अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर बताइए। उस वक्त अल्लाह ही को हाजिर नाजिर समझा जाता था कि ये जमीन मस्जिद की है या मंदिर की है। दोनों तबकों के कान खड़े हो गए सुनने के लिए कि मौलाना क्या कहते हैं। मौलाना ने फरमाया मैं ये तो नहीं जानता कि ये जमीन मंदिर की है या नहीं, लेकिन मैं गवाही देता हूं कि यह जमीन मस्जिद की नहीं है। बस इस नहीं है पर तो मुसलमान मुंह के बल जा गिरे कि अगर हमें मालूम होता तो नॉन कॉन्फिडेंस कर देते हम। ये क्या कह दिया इन्होंने। जज ने कहा मौलाना आपके लोग टेंशन में जा रहे हैं, सोच कर जवाब दीजिए। फिर फरमाया मैं सोच कर ही तो कह रहा हूं, मंदिर की ये जमीन मिल्कियत है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं जानता हूं कि मस्जिद की मिल्कियत नहीं है। और ये कहकर बाहर चले गए। वक्ती तौर पर गैर मुस्लिम खुश हो गए, मुसलमान अफसरदा हो गए और आपको पता है मुसलमान नमाज जिसके पीछे पढ़ता है इमाम के पीछे, उस पर तनकीद करने में एक खास पहचान रखता है। इमाम जितना इस माशरे में मजलूम नजर आता है शायद कोई और हो। तो बहुत कड़वी कसीली बातें हुई, दिन गुजर गया, रात आई, रात के आखिरी हिस्से में किसी ने मौलाना का दरवाजा खटखटाया। मौलाना दरवाजे पर आए तो देखा वही लोग खड़े हैं जो अदालत में गैर मुस्लिम लोगों की नुमाइंदगी करते थे। वो चार पांच लोग खड़े हैं तो ये ख्याल नहीं आया कि शायद ये मुझे कहीं मारने तो नहीं आए, ये तस्वर भी उस वक्त नहीं था। लोगों में मुरुवत थी, एक दूसरे की बात सुनने की सलाहियत थी। मौलाना ने फरमाया कैसे आना हुआ। तो उस तबके का जो बड़ा आदमी था, वहां का ब्राह्मण था, उसने कहा मौलाना कल अदालत में आपने जो बयान दिया
उस बयान ने हमारे दिलो निगाह की सूरत बदल दी। हम कल दिन को भी और आज रात के इस हिस्से तक भी सोचते रहे और बार बार सोचते रहे कि जब गुलाम इतना सच्चा है तो इसका आका कितना सच्चा होगा। और हम सोच समझ कर ये फैसला करके आए हैं कि हम आपका मजहब कबूल करते हैं, आप जिसके गुलाम हैं और जिसकी गुलामी ने आपको अदल और इंसाफ के इस मेयार पर पहुंचा दिया है, हमें भी उन्हीं का गुलाम बना दीजिए। और मौलाना ये रोबकार मेरे हाथ में है, फर्ज मिल्कियत मेरे हाथ में है, जमीन का मालिक उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं खुद हूं, ये मेरी खानदानी मिल्कियत है, मैं ये भी फैसला करके आया हूं कि कल अदालत में आप तशरीफ लाएंगे और मैं जज के सामने ये जमीन मस्जिद के नाम वक्फ करूंगा। इन तीनों ने मौलाना मोहम्मद यहया रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। फिर सुबह 10-11 बजे अदालत में पहुंचे तो उस ब्राह्मण ने कागजात जज के सामने रख दिए और कहा कि मैं इसका मालिक हूं, मेरी प्रॉपर्टी है ये, तो प्लीज मैं ये अपनी प्रॉपर्टी मस्जिद के लिए वक्फ करता हूं, आप ये फैसला फरमा दीजिए। और चूंकि अब मैं मुसलमान हो चुका हूं तो मेरे इस फैसले में किसी गैर मुस्लिम को दखल देने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। जज ने लिख दिया, यह जमीन मस्जिद की हो गई। मौलाना मोहम्मद यहया रहमतुल्लाह ताला अलैह अदालत से बाहर निकले। अब मुसलमान खुशी के आलम में मौलाना से लिपट रहे हैं, कोई हाथ चूम रहा है, हजरत आपके मिजाज कैसे हैं? मौलाना ने फरमाया, मेरे मिजाज वैसे ही हैं जैसे कल थे। तुमने जो कल मुझे कड़वी कसीली सुनाई वो मैंने सुन ली थी। असल में बात यह है कि एक तरफ जमीन थी, एक तरफ मेरा दीन था। जमीन कहती थी मुझे ले लो और मेरा दीन कहता था मेरी आबरू की, मेरी इज्जत का ख्याल करो। मैंने जमीन जाने दी, अपने दीन को बचा लिया, अपने दीन के दामन पर दाग नहीं आने दिया। मेरे अल्लाह ने मेरा दीन भी बचा लिया, मुझे जमीन भी अता कर दी। ये पता नहीं आप में से कितने हजरात ने इसको अपने हाफजे में महफूज कर लिया। बहुत मुख्तसर सा पस मंजर है जो मैंने आपके सामने रखा। मैं इस पस मंजर के हवाले से आपको यह मैसेज देना चाहता हूं कि असल इल्म यह है, असल इल्म यह है कि आप अपने अखलाक से, अपने हासिद से भी खिराज तहसीन पाएं। मैं वसूक से कहता हूं मेरे अजीजों कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को जिन लोगों ने नहीं माना, जो आपकी दावत पर ईमान तो नहीं लाए लेकिन कभी भी उनकी उंगली रहमत आलम के अखलाक पर नहीं उठी। उन्होंने दावत को नहीं माना लेकिन आपके अखलाक के कायल रहे। कई साल पहले यहां मैंने सईदाबाद में गालिबन एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बात रसूल से इख्तलाफ किया लोगों ने,
لیکن ذات رسول پر کسی نے اختلاف نہیں کیا. آپ نے جب پہلا خطبہ دیا ہے بنی نوع انسان کو اور دعوت فکر دی کہ 40 سالہ زندگی کے پس منظر میں تم نے مجھے کئی پہلوؤں سے آزمایا ہے, میرے لڑکپن سے میری آج کی 40 سالہ زندگی تک مختلف مراحل پر تم نے میری زندگی کا مطالعہ کیا, تو آج میں تمہارے ضمیر کو جج بنا کر پوچھتا ہوں, بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا, تم نے مجھے سچا پایا یا نہیں؟ میں ان بچوں سے سننا چاہتا ہوں, تو نے تو رٹ رکھا ہے, کچھ آوازیں میرے کان میں پڑیں کیونکہ الفاظ یہی ہیں نا, لیکن میں ایسے مقام پر الفاظ کا پابند نہیں ہوں, مکلف نہیں ہوں. یہاں میں تکلفات کا دائرہ توڑ کر ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں, اور پوری دنیا میں میں نے جہاں تک پہنچا ہوں اپنے دینی بھائیوں کو یہ بتایا ہے کہ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا, تم نے مجھے 40 سالہ زندگی کے پس منظر میں سچا پایا یا اس کے برعکس؟ اس لیے کہ جھوٹ کی نسبت کسی بھی حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. میرے اکابر نے, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے وَوَجَدَكَ ظَالًا کا جو ترجمہ کیا ہے, پتہ نہیں آپ میں سے کتنے عزیزوں نے پڑھا ہوگا, ہم نے پایا آپ کو متلاشی, ظال کے معنی وَوَجَدَكَ ظَالًا, ہم نے پایا آپ کو متلاشی, ہدایت کا متلاشی, حق کا متلاشی, متجسس, فہدا, تو پھر ہم نے آپ کی رہنمائی کر دی راہ حق کی طرف. تو جب آپ نے اس بگڑی ہوئی سوسائٹی کے رہنماؤں سے پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا, تو سب کا یہی جواب تھا کہ ہم نے آپ کو بارہا آزمایا, آپ کو ہم نے سچا پایا, آپ تو امانت و دیانت و شرافت کی علامت ہیں محمد, ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے, یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تو یہ ہے حسن اخلاق کا وہ معیار, وہ جو کہتے ہیں نا الفضل ما شہدت به الاعداء, کمال تو یہ ہے کہ آپ کا مخالف بھی آپ کے اخلاق کا اسیر ہو, آپ کی محبتوں کا قیدی ہو, وہ آپ کے موقف سے اختلاف کرے لیکن آپ کی ذات پر کوئی داغ نہ دیکھے, انشاءاللہ پھر صورتحال بدل جائے گی. اس کو تو میں المیہ کہتا ہوں جس کے نتائج ظاہر ہیں آپ کے سامنے اس وقت معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کا کام مرض کا علاج ہے اور مریض کی دلجوئی ہے. ہم مانچسٹر میں ایک دوست بیمار تھا, اس کا بائی پاس ہوا تھا, عیادت کے لیے گئے تو ہم اس سے پوچھ رہے تھے کیسے ہو, طبیعت کیسی ہے, علاج کیسا چل رہا ہے,
कि वहां से एक जोर से थप्पड़ की आवाज आई। मैंने पलट के देखा तो एक मरीज ने, एक पेशेंट ने अपने डॉक्टर को थप्पड़ रसीद किया था। पता नहीं क्या वजह थी, डॉक्टर देर से आया या दवाई में कोई ऐसी बात थी। मरीज मुख्तलिफ कैफियात में होते हैं। तो मुझे अहबाब ने बताया, वो गुजरात के मुसलमान थे, ये भी गुजरात का मुसलमान था जिसकी इयादत के लिए हम गए थे, और वो जिसने थप्पड़ मारा वो भी मुसलमान था, कि ये मरीज है लेकिन पता नहीं किस बात पर डॉक्टर को थप्पड़ दे मारा, लेकिन वो डॉक्टर मुश्तहिल नहीं हुआ। उसने अपने मरीज का हाथ पकड़कर चूम लिया और कहने लगा, रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स प्लीज, माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी, रिलैक्स और पुरसुकून रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने अपने जमीर से कहा, अब्दुल मजीद, ये जिस्म का मुआलिज है, इसके पास इतना जर्फ है कि ये थप्पड़ खा के भी मुश्ताइल नहीं होता, और तू तो रूहानी मुआलिज है, जरा जरा सी बात पर गुस्से में आ जाते हो। अगर सीखने की तमन्ना है, समझने की आरजू है, तो फिर हालात को गौर से देखो और जायजा लो। फितरत अपनी जुबान में आपको समझा रही है एक दाई को कैसा होना चाहिए, एक मुआलिज का क्या जर्फ होना चाहिए। आज जनूबी एशिया में कमोबेश, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और फिर दूसरे ममालिक को जो इससे मुताल्लुका हैं मिला लिया जाए तो 7 अरब के करीब मुसलमानों की तादाद बनती है, 7 अरब के करीब। यहां कोई खालिद बिन वलीद नहीं आया, यहां कोई फारूक नहीं आया, यहां कोई अली नहीं आया, यहां कोई उस्मान इब्ने अफ़ान नहीं आया, यहां फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु और उस्मान इब्ने अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु के हकीकी वारिस आए, जिन्होंने हुस्न अखलाक से बिगड़े हुए माशरा की काया पलट दी और दिलों में इस्लाम की रोशनी फैलाई, रोशनी को उजागर किया। आज आपके सामने माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह इसी खित्ते से ताल्लुक रखने वाले मुखलिसीन पूरी दुनिया में इस्लाम की इशात में लगे हुए हैं। मैं चंद दिन पहले कनाडा का सफर करके आया हूं। कनाडा इस वक्त दुनिया का बड़ा ज्योग्राफी है, सबसे बड़ा ज्योग्राफी है। मुझे तो ऐसा लगा कि यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, इतनी कसरत से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, इतनी कसरत से इस्लामी मराकज की तामीर हो रही है। टोरंटो में मैं एक मरकज में दुआ करके आया हूं, वो एक फैक्ट्री थी गारमेंट्स की, यहूदी की मिल्कियत थी, उसने उसे फॉर सेल किया, अल्लाह ने तौफीक दी, मुसलमानों ने वो परचेज कर ली। अब वहां एक मरकज बन रहा है इंशाअल्लाह, वो यूरोप में और अमरीकी रियासतों में इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज होगा। मेरा ख्याल है वो 25 एकड़ों से ज्यादा है जमीन,
ٹورانٹو میں, تو آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں, اللہ آپ کو کامیاب فرمائے. علم کتابی سے آگے ایک منزل ہے, علم القلوب. ایک ہے علم العقول اور ایک ہے علم القلوب. پتہ نہیں آپ کیوں بول نہیں رہے. ایک ہے علم العقول اور ایک ہے علم القلوب. قرآن علم القلوب ہے. عقل تو اس کے سامنے گداگر ہے, دامن پھیلائے کھڑی ہے. نزلہ علی قلبک بإذن اللہ, ہم نے آپ کے دل پر اس کو نازل کیا. قرآن کریم کو صاحب قرآن سے اللہ نے فرمایا کہ نزلہ علی قلبک, دوسری جگہ فرمایا ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. عقل نہیں, اب تو عقل سے بھی بات آگے چلی گئی ہے. لمن کان له بطن, قرآن اسی کو روشنی دے گا, قرآن اسی کے لیے رہنما ہے جس کے دل کی دنیا آباد ہے, جس کی دل کی دنیا ویران نہیں ہوئی. میں آج کے جھگڑوں پر غور کرتا ہوں کیونکہ ہر شخص اپنے موقف پر شدت کے ساتھ قائم نظر آتا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ میرا استدلال کمزور ہے اور آپ کی بات قوی ہے, کوئی نہیں کہتا. میں سوچتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے, تو میری سمجھ میں جو بات آتی ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ سب ہوس ہے, عشق نہیں ہے. لڑائیاں عشق میں نہیں ہوتی, ہوس میں ہوتی ہیں. برسات کے موسم میں اسٹریٹ لائٹ کے نیچے جب صبح اٹھیں گے آپ تو آپ کو ہزاروں پروانے مرے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اپنے محبوب کی روشنی پر آئے, رات بھر رہے اور پھر وہیں مر گئے. کسی نے آج تک پروانوں میں لڑائی نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی ہو تو مجھے آگاہ کیجئے گا. شمع پر پروانے نہیں لڑتے عزیزو, ڈیڈ باڈی پر کتے لڑتے ہیں. وہاں عشق ہے اور یہاں وہاں ادھر جو لڑ رہے ہیں وہاں فسق ہے, ہوس ہے, اور یہاں عقل ہے, عشق ہے. وہ عقل کی لڑائی ہے, یہ عشق کا اتحاد ہے. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج ہم کم سے کم قدر مشترک پر ایک ہو جائیں. آپ نے تو شروع سے یہ دعوت دی اور وہ دعوت منسوخ نہیں ہوئی, وہ دعوت موجود ہے. اور وہ کن لوگوں کو تھی؟ وہ ان لوگوں کو دعوت تھی جن کی کتاب بھی الگ ہے, جن کا رسول بھی الگ ہے, جن کا مذہب بھی الگ ہے. کتنے منٹ باقی ہیں بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم یا اہل الکتاب یعنی توریت کے ماننے والے انجیل کے ماننے والے زبور کے ماننے والے تعالوا آؤ الى کلمۃ ایک نقطے پر ایک کلمے پر سواء بیننا وبینکم جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے کسی کو اختلاف نہیں ہے اس کلمے پر آ جاؤ اور وہ کلمہ ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں توحید ایسی قوت ہے جو بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے معاشرے کو جوڑتی ہے توحید کی فطرت میں وحدت ہے اور شرک کی فطرت میں افتراق ہے تو جس معاشرے میں توحید کا عقیدہ بیدار ہوگا وہ معاشرہ متحد ہوگا جہاں شرک جگہ بنائے گا وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا آپ کی طرف سے تو یہ دعوت چلی آ رہی ہے یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے آنے والے وقت میں بھی اور موجودہ حالات میں بھی امت مسلمہ کے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے جو فکری خطرات سر اٹھا رہے ہیں ان کا سد باب آپ نے کرنا ہے کل بھی آپ کے اکابر نے کیا تھا مجھے قومی اتحاد کے وہ لمحات کبھی نہیں بھولیں گے قبر تک یاد رہیں گے جب حضرت مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ امام تھے اور تمام مسلک کے لوگ ان کے مقتدی تھے یہاں بیٹھ کر میں ابھی قاری عثمان صاحب کو بتا رہا تھا حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے ذرا چند قدم مشرق کی طرف یہاں ہم بیٹھا کرتے تھے اور مغرب کی اذان تک اس حوالے سے گفتگو ہوا کرتی تھی کراچی ویسے تو پورے ملک کی ماں تھی لیکن یہ لیاری کا جو علاقہ تھا خاص طور پر یہاں بلتستان سے گلگت سے ہزارہ سے فاٹا سے کشمیر سے لوگ اور ادھر جنوبی پنجاب سے یہاں آتے تھے ان کے پاس کوئی علمی یا فکری تعلیمی استعداد نہیں ہوتی تھی لیکن لیاری ان کے لیے دسترخوان بچھا دیتا تھا اور ان کی دلجوئی کرتا تھا اب یہ کیا ہو گیا کہ یہ سب ایک طوفان کی زد میں ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں لوگ آپ کو یہ فرض پورا کرنا ہے اپنے اسلاف کی سیرت کے مطابق ان کے اسوہ کے مطابق یہ بگڑی ہوئی بات آپ نے حسن اخلاق سے بنانی ہے اور اسلام کے نمائندہ کون ہے بھائی مسلمان تو خیر پتہ نہیں کون کون ہے جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں علماء اسلام اسلام کے نمائندہ ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء آپ کو یہ فرض ادا کرنا ہے میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ہماری قومی تاریخ میں اور ملک کی تاریخ میں
आज तक किसी आलिम दीन को लूट मार का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सका। बिलखुसूस इस मतलब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले किसी आलिम को लूट मार का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सका। मुफ्ती महमूद भी वजीर आला रहे सूबा सरहद के, फिर पूरे सूबा सरहद पर उलमा का एक दौर था 4-5 साल तक हुक्मरानी का। मौलाना फजलुर रहमान साहब कई सालों से इस कौम की रहनुमाई में किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम एजेंसियों ने कोशिश की कि कोई वीक पॉइंट, कोई कमजोर बात इनके जिंदगी में मिल जाए और हम उसको इशारत दें और बताएं कि ये इस्लाम के नाम पर क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा सर फख्र से ऊंचा है कि एजेंसियों को कोई कमजोरी नहीं मिली। वो दुर्वेश का फर्जंद दुर्वेश बेदाग खड़ा हुआ है कौमी जिंदगी के चौराहे पर, और इंशाअल्लाह अजीज यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हजरत कारी साहब और जामिया इस्लामिया बनौरी टाउन के इंतजामिया उलमा तलबा हमारे इमाम पाक अजीज क्या नाम बताया मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब, इन सबको अल्लाह ताला दुनिया में और आखरत में इज्जत नसीब फरमाए। यहाँ जो तलबा पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उनको कौमी रहनुमाई के मेयार पर पूरा उतारे। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, इस दौर को फिर किसी मोहम्मद यूसुफ की ज़रूरत है, इस दौर को फिर किसी मुफ्ती महमूद की बहुत ज़रूरत है, इस दौर को फिर किसी अशरफ अली थानवी और हुसैन अहमद मदनी की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मेरे अजीज़ तलबा अपनी परवाज बुलंद रखिए, दस्तरखान में गर्क न हो जाइए, अल्लाह आपको हुस्न अखलाक की उस बुलंद